नमस्कार, वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब कोरोना पॉजिटिव मरीज को नागपुर शहर में होम क्वारंटाइन की नहीं मिलेगी अनुमति। कोरोना डेल्टा के खतरे से बचने मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश। नागपुर के सीताबर्डी के गोवारी शाहिद उड़ान पुल से कूद पड़ी युवती, झांसी रानी चौक पर मचा हड़कंप। और कांग्रेस खेमे में फिर मचा घमासान, आशीष देशमुख का लेटर बम विवाद पहुंचा राजधानी दिल्ली, मंत्री सुनील केदार का आलाकमान की शरण में जाने का फैसला। और अब खबरें विस्तार से। शहर में डेल्टा प्लस के संदिग्ध मरीजों की संख्या को देखते हुए अब कोरोना पॉजिटिव हर मरीज को मनपा के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा या फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उन्हें होम क्वारंटाइन की अनुमति अब नहीं रहेगी। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने यह आदेश जारी किया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी द्वारा सभी जोनल आयुक्त को इस संदर्भ में सूचना दे दी गई है कि अगर जोन में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल में ही रखा जाए। नागरिकों से डेल्टा प्लस के खतरे से बचने के लिए सतर्क करने की अपील भी उन्होंने की है। पॉजिटिव व्यक्ति विधायक निवास, पांच पावली, सूतिका गृह, मेडिकल कॉलेज, मेयो में भर्ती हो सकते हैं। दरअसल प्रशासन तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर तैयारी में जुट गया है। दूसरी लहर के दौरान होम क्वारंटाइन की छूट मिलने से कोरोना तेजी से फैला था। हालांकि उस वक्त भी डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन की छूट नहीं देने की सलाह दी थी, लेकिन प्रशासन के पास मरीजों को भर्ती करने के इंतजाम नहीं थे। लोग बीमार होने के बाद भी घर पर रहे, इस वजह से कोरोना घर घर में पहुंच गया था। पिछले गलतियों को देखते हुए ही प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने कार्यालय से घर लौट रही युवती अचानक गोवारी फ्लाईओवर पर दुपहिया वाहन खड़ा करके नीचे कूद गई। इस घटना से झांसी रानी चौक पर हड़कंप मच गया। पास ही ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जख्मी युवती ओमकार नगर निवासी तन्वी मिलिंद आवले बताई गई। वह मूलतः वर्धा के हिंगना घाट की रहने वाली है और जिला सूचना कार्यालय में बतौर लिपिक काम करती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम 5:30 बजे के दौरान वह कार्यालयीन कामकाज निपटाकर घर जाने के लिए निकली। शहीद गोवारी फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद उसने अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी कर दी। अचानक सुरक्षा दीवार पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी। वह झांसी रानी चौक के बीचों बीच गिरी। आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। संयोग से उस समय कोई वाहन नहीं आई, अन्यथा वह दुर्घटना का शिकार हो सकती थी। पास ही ट्रैफिक विभाग के एपीआई विनोद गिरी और देवानंद कोकाडे ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एक ऑटो रोककर जख्मी तन्वी को उपचार के लिए लता मंगेशकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई। तुरंत सीताबर्डी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। बाद में उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है, सिर पर भी अंदरूनी चोट लगी है। बताया जाता है कि 1.5 वर्ष पहले ही तन्वी को जिला सूचना कार्यालय में अनुकंपा तत्व पर नौकरी मिली थी। फ्लाईओवर से कूदने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। उपचार जारी होने के कारण पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर पाई है। आज संध्याकाळी 6 वाजता सुमारास कंट्रोल रूममधून आम्हाला कॉल आला। त्या ठिकाणी आमचे अधिकारी ताबडतोब गेले। चौकशीमध्ये एक साधारण 27 ते 28 वर्षाची जी युवती होती, तिनं ब्रिजच्या वरती आपली स्वतःची 2-व्हीलर आणि स्वतःची बॅग ठेवून तिनं ब्रिजवरनं खाली उडी मारली होती। त्याच्यामध्ये ती पायाला मोठ्या प्रमाणात जखम झालेली आहे, त्याचप्रमाणे काही इंटरनल मार लागलेला आहे। तिला तात्काळ लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आणि त्यानंतर आता परत पुढील उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटल इथे दाखल करण्यात येतं। ही मुलगी कोण आहे, कुठे कामधंदा करते? बेसिक एन्क्वायरीमध्ये आम्हाला ती जिल्हा माहिती जनसंपर्क कार्यालय जे आहे सिव्हिल लाईन्स या ठिकाणी ती जॉब करते अशी जेवढी माहिती मिळालेली आहे, तिच्या नातेवाईकांना कळवलेलं आहे आणि बाकी माहिती पूर्णपणे तिच्यावर ट्रीटमेंट झाल्यानंतरच योग्य ती माहिती मिळू शकेल। MIDC थाना अंतर्गत इसासनी के शुभम नगर इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृत युवक अक्सर आरोपियों से शराब पीने के लिए पैसे मांगता था। पैसे नहीं देने पर विवाद करता था। बुधवार रात भी वह आरोपियों के साथ शराब पीने बैठा। पूर्व नियोजित ढंग से युवक को शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
मृतक विश्वकर्मा मंदिर के पास वागधरा निवासी सुरेंद्र आनंद पिलघर बताया गया। पकड़े गए आरोपियों में शुभम नगर राजीव नगर निवासी नीलेश उर्फ गजनी शीरानाथ शाह, राकेश उर्फ बबलू रामधार सिनोडिया और रणधीर उर्फ अरुण जनक सिंह का समावेश है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र रोजी मजदूरी करता था, आरोपी भी मजदूरी करते हैं। राजीव नगर परिसर में स्थित शराब की भट्टी में सुरेंद्र और आरोपियों की बैठक थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र अक्सर उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगता था, पैसे नहीं देने पर विवाद करता था। दो दिन पहले भी भट्टी में उनकी कहासुनी हुई थी। सुरेंद्र की हरकतों से परेशान होकर तीनों आरोपियों ने उसे मारने का प्लान बनाया। पास की दुकान से सब्जी काटने के उपयोग में आने वाले 3 चाकू खरीदे। बुधवार की शाम तीनों भट्टी में शराब पीने गए, सुरेंद्र भी वहां गया। आरोपियों ने उसे जमकर शराब पिलाई। इसके बाद एक पौवा लेकर भट्टी से निकले। सुरेंद्र को शुभ नगर परिसर में बंद पड़ी जिला परिषद स्कूल के परिसर में ले जाया गया। वहां भी आरोपियों ने उसे शराब पिलाई। नशा होते ही आरोपियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। नीलेश ने चाकू से उसकी गर्दन और सिर पर वार किया। सुरेंद्र पहले ही नशे में धुत था और वह वही ढेर हो गया। नागपुर रेलवे लोहामार्ग पुलिस की टीम ने एक ऐसे चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर उसके एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन के आउटर भागों में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन, जो कि स्टेशन आने से पहले ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे होते थे, उन्हें लकड़ी के डंडे से हाथ पर मारकर नीचे गिरा देते थे और बाद में मोबाइल उठाकर भाग जाते थे। इस मामले में एक आरोपी पुलिस के हाथ लगा है, जिसके पास से 12 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इस मामले में उसके अन्य साथियों को भी तलाश कर रही है। आमच्याकडे नागपूर रेलवे पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल आहे 167/2021। त्याच्यामध्ये एक मोबाईल चोरी गेलेला होता। त्याचा तपास करत असताना डीबीच्या पथकाला एक गुप्त माहिती मिळाली होती की मौदा येथे राहणारा एक आरोपी आहे, त्याने तो मोबाईल चोरला असण्याची शक्यता आहे। त्यामुळं त्याची माहिती घेऊन डीबी पथकाने त्याला पहिल्यांदा ताब्यात घेतलं तेव्हा त्याच्याकडे 4 मोबाईल मिळून आले, ज्याच्यामधील 3 गुन्हे आमच्या पोलीस स्टेशनला दाखल आहेत ऑलरेडी। तर हे 80,000 मोबाईल मिळाल्यानंतर आपण कोर्टाकडनं पोलीस कोठडी घेतली। 1 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर त्याच्याकडनं जेव्हा पुन्हा सखोल चौकशी केली, त्याच्यामध्ये त्यांनी आणखी 8 मोबाईल, असे एकूण 12 मोबाईल, 197,000 12 मोबाईल आपण जप्त केलेले आहेत। त्याचा अजून 3 ते 4 साथीदार असण्याची शक्यता आहे आणि त्याची मोडस अशी आहे की आउटरला जेव्हा ट्रेन स्लो होते त्यावेळेला तिथे एकतर काठी मारून मोबाईल पाडणे किंवा मग चार्जिंगला लावलेले मोबाईल खिडकीतनं उचलणे आणि परत जाऊन ते वेगवेगळ्या भागामध्ये ते अगदी कमी किमतीमध्ये विकणे ही त्याची पद्धत आहे चोरी करण्याची। आरोपीचं नाव नसीब अजाबराव वाघमारे आहे, राहणार मौदा येथील आहे तो। अजून त्याचं काही रेकॉर्ड आम्हाला तरी अजून मिळालेलं नाही आहे, परंतु तपासामध्ये ते उघडकीस सांगू आम्ही। किती आरोपी अजून होण्याची संभावना आहे? अजून 3 ते 4 आरोपी मिळतील अशी शक्यता आहे त्याच्यामध्ये। अजून तरी रेकॉर्डवर नाही आलेला की गुन्हे आहेत, सिटीमध्ये असण्याची शक्यता आहे, त्याचा तपासादरम्यान आपण माहिती घेत आहोत। खेल मंत्री सुनील केदार एवं पूर्व विधायक आशीष देशमुख के बीच का परंपरागत राजनीतिक संघर्ष एक बार फिर उफान पर है। देशमुख ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केदार को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर इस विवाद को चर्चा में ला दिया है। अब केदार ने दिल्ली आलाकमान की शरण में जाने पर फैसला किया है। अपनी ही पार्टी के मंत्री पर आरोप लगाकर पार्टी और सरकार को अड़चन में लाने का हवाला देते हुए मंत्री सुनील केदार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। वे दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। एक कुर्सी को लेकर दोनों नेताओं में विवाद फिर उठ खड़ा हुआ है। काटोल की समीक्षा बैठक में पास रखी कुर्सी में बैठे देशमुख को केदार ने सबके सामने उठाया। कुर्सी को लेकर हुए इस विवाद से देशमुख रूठ गए। उन्होंने दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर घोटालेबाज केदार को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर डाली। कुर्सी का यह किस्सा इन दिनों काफी चर्चा में है। देशमुख द्वारा केदार के खिलाफ पत्र लिखने से केदार समर्थक भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि देशमुख हमेशा अपरिपक्व बर्ताव करते हैं।
पश्चिम नागपुर जैसे 3 निर्वाचन क्षेत्र बदल चुके हैं। उनके इस रुख से पार्टी को हमेशा नुकसान पहुंचा है। अब कांग्रेस के मंत्री पर आरोप लगाकर देशमुख पुनः विपक्ष की मदद करते हुए सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। केदार समर्थकों ने इस संदर्भ में आलाकमान एवं प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को पत्र लिखकर देशमुख को पार्टी से निलंबित करने की मांग की है। इस बीच केदार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार वे सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी से मिलकर देशमुख की शिकायत कर सकते हैं। इस बहाने ही सही, नागपुर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर सामने आ चुकी है, जो कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। शिवसेना विधायक आशीष जायसवाल ने नागपुर कृषि विभाग की आत्मा योजना में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने आत्मा योजना में किसानों को कृषि सामग्री पर 3 गुना अधिक कीमत लगाकर उसके बदले उन्हें घटिया माल की आपूर्ति की। यह आरोप लगाते हुए जायसवाल ने तौंश में आकर इस योजना से संबंधित फाइल महिला कृषि अधिकारी के टेबल पर फेंकते हुए जवाब मांगा। विधायक आशीष जायसवाल ने नागपुर में किसानों को दी गई वस्तुओं में बड़ा भ्रष्टाचार होने का गंभीर आरोप लगाया है। खुले बाजार में जिस कृषि पंप की कीमत 1800 रुपए है, वही कृषि विभाग ने 6500 रुपए में किसानों को दिया। बाजार में 6000 में मिलने वाले डीजल पंप की कीमत 19000 रुपए लगाई। कुल मिलाकर अनाप शनाप कीमत लगाकर किसानों को काफी घटिया दर्जे की सामग्री की आपूर्ति की गई। इस संदर्भ में विधायक जायसवाल ने बताया कि सरकार गरीबों के लिए योजना लाती है। हम लोग पिछले कई दिनों से किसानों को कृषि सामग्री और औजारों पर 90% का अनुदान मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें अब तक कई किसानों को लाभ भी मिला है, परंतु इस वर्ष उन्हें जो सामग्री लेनी थी उसका ऑर्डर खनिज प्रतिष्ठान के माध्यम से निकले। उन्होंने बताया कि नियमानुसार किसानों को जो दुकान सुविधाजनक लगे उसमें जाकर सामग्री लेकर उसका बिल कृषि विभाग को दिखाकर 10% किसानों का सहभाग और 90% अनुदान देना अपेक्षित था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वन विभाग में खलबली मचाने वाले बाघ हत्या प्रकरण में और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उमरेड के सहायक वन संरक्षण NG चांदेवार के नेतृत्व में WCCB तथा महाराष्ट्र वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। 25 अगस्त को सुबह 11 बजे के करीब पिंडका पर निवासी रोशन नंदलाल उनके घर की तलाशी ली गई। घर से एक बंदूक, हिरन का सिंह, जंगली सुअर की हड्डी बरामद हुई। इसी गांव में विभागीय वन अधिकारी नागपुर वन वृत्त PG कोडा पे रामटेक के सहायक वन संरक्षण SB गिरी ने नरबद पुन्नू कोडवते के घर की तलाशी ली, जिसमें एक बंदूक, हिरन के 4 सिंह, एक छुरा आदि सामान जब्त किए गए। दोनों अपराधियों को मध्य प्रदेश वन विभाग को हस्तांतरित किया गया। वहां जांच पूर्ण होने पर अपराधियों को मुद्देमाल के साथ रामटेक उपविभाग के सुपुर्द किया जाएगा। 24 अगस्त को WCCB तथा मध्य प्रदेश वन विभाग ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर बालचंद वरखड़े को बाघ की हड्डियों मिलने पर गिरफ्तार किया था। इसी प्रकरण में जांच करने पर उक्त अपराधियों के घर से ये चीजें जब्त की गई। इन दिनों भिवापुर के झमकोली, महालगांव, उरकुड़ापार, धामनगांव, चिमनाझरी, बोटेझरी आदि गांवों में बाघ की दहशत बनी हुई है। बुधवार की रात वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरे में तेंदुआ कैद होने से अब ग्रामवासियों में बाघ और तेंदुए की मौजूदगी से और दहशत का माहौल निर्माण हो गया है। लगातार 4 दिनों से किसानों के मवेशियों का शिकार करने से किसान चिंतित है। झमकोली उरकुड़ापार में
23 अगस्त को पट्टेदार बाग के दिखने से परिसर के किसानों और स्थानीय नागरिकों ने बाग का बंदोबस्त करने की मांग वन विभाग से की थी। वन विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण 25 अगस्त को फिर उरकुड़ापार में एक किसान के बैल को घायल कर इसी परिसर में एक बकरी का भी शिकार किया गया। ऐसे में किसानों द्वारा परिसर में बाघ दिखने से अब वे अपने खेतों में काम करने के लिए जाने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवर जैसे सुअर, रोही, सांबर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच उमरेड निवासी देवानंद मून का खेत झमकोली परिसर में है। बुधवार की रात खेत का कार्य खत्म होने के बाद उनके दो बैल घर लौट रहे थे। इस दौरान झमकोली परिसर के वन विभाग कार्यालय के पास बैलों पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में एक बैल मारा गया जबकि दूसरा बैल अपनी जान बचाकर घर वापस आ गया। दूसरा बैल नहीं आने पर किसान उसकी तलाश में निकल पड़ा तो उसे वन विभाग कार्यालय के पास बैल मरा हुआ मिला। वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरे की फुटेज जांचने पर पता चला कि बैल का शिकार बाघ ने नहीं बल्कि तेंदुए ने किया है। अब इस परिसर में बाघ के साथ साथ तेंदुए की भी मौजूदगी होने से स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग से जल्द खूंखार जानवरों को बंदोबस्त करने की मांग की है। नागपुर शहर में करीब 2 लाख लोगों पर पानी का बिल बकाया है। बकाया बिल वसूली तेज करने का निर्देश महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने अधिकारियों को दिया है। संबंधित बैठक में उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बिल जमा करने के लिए बार बार नोटिस दे। महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सभी जोन में स्लम बस्तियों में बिल वसूली में अड़चन आ रही है। टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने का प्रयास शुरू है। शहर में 3.83 लाख ग्राहक है जिनमें से 1.94 लाख पर बिल बकाया है। इसकी रकम 189.37 करोड़ रुपए है। अब तक 61 करोड़ की वसूली हुई है। पिछले वर्ष अगस्त में 53 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी और इस वर्ष उससे 8 करोड़ अधिक की वसूली की गई है। सभापति ने टैक्स वसूली को कैसे तेज किया जा सकता है इसकी उपयोजना करने को कहा। उन्होंने इसके लिए जोनावर समीक्षा बैठक लेकर संबंधित नगर सेवकों से भी समन्वय बनाने को कहा। बिल रिकवरी के लिए नागरिकों से किस प्रकार सहयोग लिया जा सकता है इस पर विचार करने, बिल वसूली पर सख्ती आदि पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिजली की जरूरत है उसी तरह पानी भी अत्यावश्यक है। उन्होंने वसूली तेज करने का निर्देश किया है। बड़ा ताजबाग परिसर में पिछले कुछ समय से चल रहे तनातनी के माहौल और मिल रही शिकायतों के मद्देनजर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मोहल्ला मीटिंग का आयोजन किया। इसमें परिसर के चर्चित अपराधी आबू उर्फ फिरोज खान और उसकी गैंग के खिलाफ जनाक्रोश देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने खुलकर आबू और उसकी गैंग की दादागिरी बयान की। सीपी अमितेश कुमार ने नागरिकों को सुरक्षा भरोसा दिलाया और कहा कि यदि अब भी वह नहीं सुधरा तो उसकी 7 पीढ़ियां पुलिस की कार्रवाई याद रखेगी। बैठक में डीआईजी सुनील फुलारी, नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी गजानन राजमा ने, विवेक मासाल और ताजबाग दरगाह के ट्रस्टी प्यारे खान भी उपस्थित थे। इस बैठक में कुछ शिकायतें ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी और कुछ अतिक्रमण से, लेकिन ज्यादातर लोगों ने परिसर में चल रहे अवैध धंधों की शिकायत की। कुछ लोगों ने खुलकर आबू और उसकी गैंग द्वारा चलाई जा रही आपराधिक गतिविधियों की जानकारी दी। आबू के संरक्षण में परिसर में MD, गांजा और गौ हत्या सहित धंधे चलने की जानकारी दी। कुछ लोगों ने बताया कि आबू की गैंग ने परिसर में कई जगहों पर लोगों को डरा धमका कर अतिक्रमण किया है। कुछ दिन पहले ही आबू और उसके साथियों ने ताजुद्दीन बाबा के गद्दीन शिन तालिब बाबा को फोन पर धमकाया और गाली गलौज की थी। आबू के परिजन भी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने आबू द्वारा सभी गतिविधियां बंद करने की जानकारी दी। पार्षद रीता मुले ने कहा कि स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ है, लेकिन कुछ विकास कार्य अतिक्रमण के कारण रुक जाते हैं। पार्षद संजय महाकालकर ने बताया कि उमरेड रोड पर यातायात व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। कुछ लोगों ने अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत होने के आरोप लगाए। डीआईजी रेड्डी ने नागरिकों को विश्वास दिलाया कि सभी अवैध धंधे जल्द से जल्द बंद करवाए जाएंगे। कुछ शिकायतें अन्य विभागों से जुड़ी है, उसके लिए अन्य विभागों से शिकायत की जाए। सीपी ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस को पगार ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मिलती है। उन्होंने आबू के परिवार को सख्त चेतावनी दी कि यदि अब किसी भी प्रकार की आपराधिक कृत्य किया गया तो पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई करेगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेगी। पिछले काफी दिनों में सिटी में वोडा आइडिया के ग्राहक नेटवर्क को लेकर परेशान थे। शहर के प्रमुख स्थानों पर भी मोबाइल नेटवर्क मिलना मुश्किल हो गया था। कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया है कि अब कंपनी के ग्राहकों को परेशानी नहीं होगी क्योंकि नेटवर्क अपग्रेड करने का काम पूर्ण कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि कंपनी के ग्राहक पिछले काफी समय से परेशान थे। अनेक लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद कंपनी ने दावा किया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर वी ने नागपुर, पुणे सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया है और 3G नेटवर्क को 4G में तब्दील करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिल सके। क्षमता विस्तार के बाद ग्राहकों को बात करने में दिक्कतें नहीं होंगी, वही इंटरनेट स्पीड भी बेहतर मिलेगी, जिससे डाउनलोड करने का समय काफी कम हो जाएगा। बिजनेस हेड महाराष्ट्र पुनीत कृष्णन ने कहा कि डेटा की बढ़ती मांग को देखते हुए उपभोक्ताओं को 4G का उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए नेटवर्क में यह विस्तार किया गया है। विस्तार के बाद इंदौर कवरेज में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय में राज्य में डेटा की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, यही कारण है कि कंपनी विस्तार कर रही थी, जिसे अब पूर्ण कर लिया है। तो VKB न्यूज में अब तक के लिए इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।